किया जाए ताकि यहाँ पर नमाज हो सके और जो हजरात नमाज में शिरकत करने आए या तो घर से वजू करके आए या एक बोतल में अपना पानी ले लें, और अगर घर से वजू करना उनके लिए आगे मुश्किल हो तो यहीं आकर वो एक पानी बोतल में लेकर आ जाए अपने घर से और यहीं पर वजू कर लें। और मास्क का भी इंतजाम रहेगा उनके लिए इंशाल्लाह, या मास्क खुद भी पहन के आए और सैनिटाइजर का भी इंशाल्लाह इंतजाम रहेगा। हमने यही डिमांड रखी है कि बहुत सारा बात इसके जिम्मेदारों से ज्यादा, हम तो समझते हैं कि ये अगर ये इंतजाम हो जाए, जैसे अभी सिटी मिनिस्टर साहब भी आ गए हैं तो इनसे भी अभी बातचीत हो जाएगी कि इतना बड़ा ट्रस्ट है जिसकी करोड़ों की आमदनी है, उसकी तरफ से अगर ये इंतजाम छोटा सा हो सके तो हमारी नमाज जमा हो सकेगी। और जो 9 महीने से जो इस इबादत से हम महरूम हैं, इंशाल्लाह वो इबादत यहाँ पर शुरू हो जाएगी। लेकिन बस बहरहाल ये कोशिश है कि कोविड के जो कवानीन हैं उनके तहत ये जो है जुमे की नमाज हो। यूं वैसे आयतुल्ला सिस्तानी ने तकरीबन 1.25 मीटर के फासले की इजाज़त दी है, लेकिन एक यहाँ तो तकरीबन 2 मीटर का फासला जरूरी होता है, लिहाजा हम यहाँ पर बातचीत भी करेंगे इस सिलसिले में इसमें किस तरह से हम लोग अपनी नमाज अदा कर सकें। लिहाजा इंशाल्लाह कल से उम्मीद पूरी है इंशाल्लाह कि नमाज जमा शुरू होगी। और इसमें मैं फिर अर्ज कर दूँ कि जो मास्क अपने पास है वो मास्क लेकर आएँ, सैनिटाइजर के पास है सैनिटाइजर लेकर आएँ, और घर से वजू करके आए। अगर वजू घर से नहीं कर सकते हैं तो एक बोतल में थोड़ा सा पानी ले लें और उसमें वो यहीं पर आकर वजू अपना अंजाम दें और उसके बाद नमाज से शिरकत करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल से ये नमाज शुरू हो जाएगी।